नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। चुनाव आयोग के वेबसाइट के अनुसार लगातार जो अपडेट्स है तारापुर और कुशेश्वर स्थान के मतगणना का, वो हम आपके साथ लगातार साझा करते रह रहे हैं। अभी हमने आपको कुशेश्वर स्थान का जो अपडेट था वो हमने बताया है, और अभी फिर से तारापुर के का जो मतगणना का अभी अपडेट है 2:30 बजे तक का, 2:30 का उसका अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये अपडेट चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार दिया जा रहा है। तो हम आपको बता दें तो अरुण कुमार जो कि राष्ट्रीय जनता दल से हैं, उन्हें ईवीएम वोट्स मिले हैं 33,187, टोटल वोट्स मिले हैं 33,187 और परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले हैं 48.35। कुमार चंदन जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी से हैं, उन्हें ईवीएम वोट्स मिले हैं 2,654, टोटल वोट्स भी मिले हैं 2,654 और परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले हैं 3.87। राजीव कुमार सिंह जो कि जनता दल यूनाइटेड से हैं, उन्हें कुल ईवीएम वोट्स मिले हैं 29,357 और टोटल वोट्स मिले हैं 29,357, वहीं परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले हैं 42.77। राजेश कुमार मिश्रा जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं, उन्हें ईवीएम वोट्स मिले हैं 1,038, टोटल वोट भी उनके 1,038 हैं, परसेंटेज ऑफ वोट हैं 1.51। उपेंद्र शाहनी जो कि राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी से हैं, उन्हें ईवीएम वोट्स 94 मिले हैं, टोटल वोट्स 94 हैं और परसेंटेज ऑफ वोट्स 0.14 है। वशिष्ठ नारायण द प्रूलर्स पार्टी से हैं, उन्हें ईवीएम वोट्स मिले हैं 395, टोटल वोट्स मिले हैं 395 और परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले हैं 0.58। अंशु कुमारी जो कि निर्दलीय से हैं, निर्दलीय पार्टी से, उन्हें ईवीएम वोट्स मिले हैं 226, टोटल वोट्स भी हैं उनके खाते में 226 और परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं 0.33। दीपक कुमार वो भी निर्दलीय हैं, उन्हें 501 जो है ईवीएम वोट्स मिले हैं, टोटल वोट्स भी उनके खाते में 501 हैं, परसेंटेज ऑफ वोट्स 0.73 है। शिव गांधी वो भी निर्दलीय हैं, उन्हें ईवीएम वोट्स मिले हैं 226, टोटल वोट्स भी उनके खाते में 226 हैं, परसेंटेज ऑफ वोट्स 0.33 है। नोटा यानी नन ऑफ द अबव हैं, ईवीएम वोट्स 966, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो हैं वो भी 966 हैं, परसेंटेज ऑफ वोट्स जो हैं 1.41 हैं। तो इस तरीके से हम आपको बता दें तो तारापुर में जो चुनाव आयोग के वेबसाइट हैं उनके अनुसार जनता दल राष्ट्रीय जनता दल जो है वो अभी आगे चल रहे हैं, उनके खाते में करीब ईवीएम वोट्स जो हैं वो 33,187 हैं। तो इस तरीके से अरुण कुमार जो कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से हैं, वो अभी तारापुर में आगे चल रहे हैं, जो कि चुनाव आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट बता रहा है। ये 2:30 बजे तक का अपडेट हमने आपके साथ साझा किया है, और तमाम और भी अपडेट्स जैसे जैसे आते रह रहे हैं वो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।